धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि वेद शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कहीं पर भी मना नहीं किया गया कि मांस खाना नहीं चाहिए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी वजह यह है कि हमने लाखों रुपए के रुमाले तो चढ़ा दिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर, पर कभी गुरु ग्रंथ साहिब जी को खोल कर पढ़ा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अनमोल हीरे मोती हैं इसके अंदर, खजाना है, ज्ञान का खजाना। कई प्रमाण है, कई प्रमाण साफ साफ गुरु साहिब जी समझा रहे हैं कि मांस नहीं खाना। और दास यहां पर स्टेज पर एक बात कहना चाहता है, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, ना कुरान शरीफ में कहीं लिखा है कि मांस खा सकते हैं, ना बाइबल में कहीं लिखा है कि मांस खा सकते हैं, ना वेद शास्त्रों में लिखा है, ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे बाइबल में से कोई एक कमेंडमेंट पढ़ के बता दे कि इसमें लिखा है कि मांस खा सकते हैं, या हजरत मोहम्मद साहब कुरान में अगर लिख कर गए हैं एक आयत बता दें जिसमें लिखा हो कि मांस खा सकते हैं, जबकि मैं आयतें और कमेंडमेंट्स बता दूंगा कि लिखा हुआ है कि नहीं खाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। या कुछ लोगों ने अपने जबान के स्वाद के पीछे लगकर सब लोगों को भटकाया हुआ है। जो खाते हैं अलग प्रकरण है, अलग बात है, पर जो भगवान के नाम पर खाते हैं, भगवान का नाम लेकर भगवान को दोष देकर के, भगवान ने मना नहीं किया, गुरु ने मना नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करें, श्रवण कीजिए। अंग 1350 गुरबाणी की पंक्तियां क्या कह रहे हैं पांच। जो सब में खुदा
किया
सब में एक खुदाई कहते हैं।
तो क्यों मुर्गी मारे। साफ साफ गुरबाणी की पंक्तियां कह रही हैं, कबीर जी की वाणी है। अगर तू कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की सत्या हर जीव जंतु में है, तो तू कैसे किसी मुर्गी को मारकर खा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम लोग ना बहुत चालाक लोग हैं साथ संगत, अपना काम निकालना जानते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं कि पाप भी कर लेंगे और पुण्य भी कर लेंगे तो बच जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर्थों पे स्नान भी कर लेंगे, नाम भी जप लेंगे, पर साथ में मांस भी खा लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु बख्श देगा। गुरबाणी की पंक्तियां श्रवण कीजिए, साफ साफ गुरबाणी कह रही है, साफ साफ जो तीन काल सत है गुरु की बाणी श्रवण कीजिए। अंग 1377 1377 कभी पान मछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए रसातल जान। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भांग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए। यहां पर ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। भांग किसी भी प्रकार के नशे की वर्तो करता है, मछली किसी भी प्रकार के मांस को खाता है जानवर को मारकर, सुरापान किसी भी प्रकार की शराब को पीता है, चाहे कितने मर्जी तीर्थों के स्नान कर ले, चाहे कितना नाम जप ले, कितना दान पुण्य कर ले, आखिर में तुझे नरकों में ही जाना पड़ेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि गुरबाणी एक बात कहती है, गुरु नानक पाशाह एक बात कहती है कि जो धर्म है वो दया का बेटा है, धौल धर्म दया का पुत्र। जो धर्म है दया का बेटा है, जहां पर दया नहीं वहां पर धर्म कैसा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना माँ के औलाद कैसे, बिना धर्म के, बिना दया के धर्म कैसे। जिस हृदय में दया नहीं है उस हृदय में धर्म हो ही नहीं सकता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा सात संगत जी, बार बार मैं हाथ जोड़कर एक बेनती करूंगा, मैं केवल सुना रहा हूँ कह गुरु नानक पाशाह की गुरबाणी रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर किसी को नाराजगी हो मेरी बातों से तो गुरु नानक से नाराज होना, मुझसे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सब में खुदाए कहते हो, सब में खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे। कबीर जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं साथ से, कहते हैं जिया बद्धो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत भाई आपस को मुनवर कर थापो, का को कहो कसाई। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जीव हत्या कर रहे हैं, जीवों को मारकर नोच नोच के खा रहे हैं, अगर हमें उन्हें संत और मुनि कहेंगे तो कसाई किसे कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, दास बार बार ये बात रिपीट कर रहा है, क्योंकि होता यह है जब भी मैं ये प्रकरण लेता हूँ मुझे धमकियों के फोन आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्ची बात है, गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ। बहुत लोग नाराज होते हैं कि आप ये बात स्टेज पर क्यों कहते हैं, पर मैं तो गुरबाणी सुना रहा हूँ, वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है मेरी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जिया बदो सुतर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई आपस को मुनवर कर थापो आपस को मुनवर कर थापो काको कहो कसाई। तीन प्रकार के लोग होते हैं संसार में, तीन प्रकार के। एक तो वो जो अनजाने में मांस खा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये गुनाह है। जैसे छोटे बच्चे हो गए, माता पिता खिला रहे हैं, उन्हें नहीं पता। एक वो जो मानते हैं कि गलत है मांस खाना, पर हमें हमसे रहा नहीं जाता इसके स्वाद के बिना। ये दो प्रकार के लोग हैं। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, ये दो प्रकार के लोग बख्शे जा सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अपनी गलती मान रहे हैं, जो अपनी गलती मान रहा है वो एक ना एक दिन सुधर भी जाएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर तीसरे प्रकार के लोग जो इसे जायज ठहराने के लिए गुरुओं का नाम लेते हैं कि गुरु महाराज ने खाया था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने खाने को जायज ठहराने के लिए गुरु को कलंक लगा रहे हैं। कई लोग ये बात कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया था। कई लोग ये बात कहते हैं, ध्यान देना, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके बकरा खाया था। बड़ी ध्यान से इस बात को समझना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसी स्थान पर दो मिनट के लिए भी रुके ना, वहां पे गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। गुरु नानक पाशाह एक जगह पर रुके थोड़ी देर के लिए, वहां पे गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। एक जगह दातुन की गुरु गोविंद साहिब जी ने दातुन, वहां पर गुरुद्वारा दातुन साहिब है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहीं पर बटका बकरा झटकाया होता तो गुरुद्वारा झटका साहब भी तो होता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहां है? और जो लोग ये कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था, एक बार उनकी बात को मान लो, मान लेते हैं, चलो आप कहते हो तो खाया होगा। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपना सर्वंश वार गए, हम में ताकत है? घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने शहीद करवा गए, अपना सारा सरबंश वार गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हम में वो ताकत है? अगर उनको कॉपी ही करना है, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को वार दो, आपके बच्चों की दो आंखें हैं ना, एक आंख डोनेट कर दो। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंधा भी नहीं होगा, देख भी सकेगा, है हिम्मत। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर उंगली उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान के नाम पर जो खाते हैं, गुरबाणी कहती है, वो नहीं बख्शे जाएंगे, बख्शे वो लोग जाएंगे जो अपनी गलती को मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सब में खुदा कहते हो, सब में खुदा कहते हो, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं। गुरु नानक पाशा का समझाने का ढंग ही बड़ा निराला है साथ साथ। कितनी कमाल की एग्जांपल देके वो समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। जो रत लगे कपड़े जामा पनीत, जे रत पीवे मानसा निर्मल चीते। गुरु नानक पाशा समझा रहे हैं कि अगर हमारे कपड़ों को खून लग जाए किसी जानवर का, हम कपड़े को धोने के लिए दे देते हैं कि कपड़ा मैला हो गया, इसे पहनते नहीं। अगर कोई अमीर होगा फेंक ही देगा कपड़े को कि खून लग गया है। उसी जानवर को मारकर जब तू उसका खून पीता है तो अपने आप को पवित्र कैसे समझता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। उनका ना शरीर निर्मल रहेगा ना चित निर्मल रहेगा।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है सात संगत जी, एक आदमी खाना खा रहा हो, भोजन खा रहा हो, थाली में भोजन परोसा गया हो, बकरा आकर उसमें मुंह मार जाए, थोड़ा खाना जूठा कर जाए, कोई भी आदमी उस थाली में से खाना नहीं खाएगा, पर उसी बकरे को मार कर उसकी जबान तक खा लेते हैं पर अपने आप को पवित्र कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब ध्यान नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, बकरे का झूठा खाने को तैयार नहीं पर उसी बकरे को अपने मुंह में डाल रहे हैं और स्वाद लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांस खाने से इंसान की मति मारी जाती है, ये मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है। तिन क्यों निर्मल चित, उनका चित निर्मल रह ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो टाउंट करते हैं, टाउंट जैसे हमारे जैसे कीर्तनी है, कोई नाम जपाने वाले, कोई संत महापुरुष अगर वो मांस खाते हैं तो उनके बारे में क्या कहा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, श्रवण कीजिए। जिया हत ना संगे प्राणी, जिया हत ना संगे प्राणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी। मुख से तू बाणी पढ़ता है, जिस मुख से तू नाम जपता है, जपाता है, उस मुख से जब तू जानवरों को नोच नोच के खाता है तुझे शर्म नहीं आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपने कभी ध्यान दिया है साथ संगत जी, इतने सारे लोग प्रवचन करते हैं, हजारों हैं, पर बातों का असर नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है? बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, बात जितनी गहराई से निकलेगी उतनी गहराई पे जाकर चोट करेगी, असर करेगी। जब इंसान का अपना जीवन ही ना हो, वो उपदेश करे स्टेज पर बैठकर, तो क्या असर करेगी बाणी? घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानो गुरबाणी एक पवित्र पानी है, एक टैंकी है, पर जो नल है वही इतना गंदा है, अगर पानी उसमें से आएगा पीने का दिल कैसे करेगा? घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिन्होंने जीवन संभाला है उन्होंने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का जो प्रकरण है बहुत ध्यान से सुनेगा साथ संगत जी, क्योंकि इससे केवल आपकी बात नहीं है, अगर आपके घर से ये मांस खत्म हो गया, ये गुरु नानक की वाणी है, जरूर असर करती है, मुझे गुरबाणी पे ताकत पे भरोसा है। अगर आपके घर में से ये मांस खत्म हो गया, आने वाली कुलें सुधर जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कछ हो नहीं कछ आहे न मोरा, और सर लज्जा रात ले हो सदना जन तोरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो पंक्तियां दास ने अभी पढ़ी ये भगत सदने की पंक्तियां हैं जो गुरबाणी में दर्ज है। मैं नहीं कछ हो नहीं कछ आहे न मोरा, जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं तो सदना को भी माथा टेकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये सदना भगत बना कैसे, ये पहले कसाई था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सदना कसाई। ध्यान से सुनना जो लोग मांस खाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, छोटी सी है। इसी कसाई की दुकान है बुच्चड़ खाने में, शाम का वक्त है, दुकान बंद कर रहा है, एक ग्राहक आ गया, कहता है मेरे घर में मेहमान आ गए हैं अचानक, मुझे इतना मांस चाहिए। सदना कहने लगा अब तो मांस खत्म हो गया, दुकान बंद कर रहा हूँ, कल सुबह आकर ले लेना। ग्राहक कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए, घर में मेहमान आए हैं, मुझे मांस बनाना है।
सदना समझाता है कि इस वक्त मैं तुझे मांस नहीं दे सकता, अगर इस वक्त मैंने जानवर को काटा, बकरे को काटा, तो तुझे जितना मांस चाहिए तू ले जाएगा, बाकी सुबह तक मेरा मांस सारा खराब हो जाएगा, बिकेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ग्राहक मती मारी जाती है खाने वालों की, ग्राहक क्या समझाता है उसे, काम कर सदना, उसकी एक लात काट दे, उसकी एक टांग काट दे, पूरी रात बकरा तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं, मांस बासी नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरी रात तड़पता रहेगा जानवर, उसका ख्याल नहीं, पूरी रात एक टांग काट दे, सुबह तक तड़पता रहेगा, सुबह आकर पूरा काट देना और बेच देना। सदने को यह तरकीब भाग गई, छुरी लेकर अंदर चला गया। जैसे ही बकरे को काटने लगा साथ संगत जी, चमत्कार हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस घटना ने सदना कसाई को सदना भगत बना दिया। काटने लगा बकरा, बोल पड़ा, सदना ये कौन सी नई रीत शुरू करने जा रहा है, कई जन्मों से कभी मैं कसाई तू बकरा, कभी तू कसाई मैं बकरा, हम एक दूसरे का लेखा पूरा करते आ रहे हैं, आज तू नई रीत चलाने जा रहा है, मेरी एक टांग काटेगा, पूरी रात मैं तड़पता रहूंगा, याद रख अगले जन्म में मैं कसाई बनूंगा, तेरी टांग काटूंगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सदने कसाई के हाथ से छुरी गिर गई, सदना भगत बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसी भक्ति की क्यों बख्शे जाते हैं। गुरु नानक के घर में बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन ढहने की देरी है, उसके बख्शने में देरी नहीं। कोई मन करके ये पश्चाताप कर ले कि मुझसे गलती हुई है और अरदास कर दे गुरु नानक के आगे, पाचा आगे से मैं ये नहीं करूंगा, और ये शर्त होती है माफी की कि आगे से वो भोग दोबारा ना हो, गुरु बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना बख्श दिया कि कसाई से भगत बन गया, उसकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो सब में खुदा के गुरु नानक गुरु अर्जुन महाराज अपने निवास स्थान से बाहर निकले, क्या देखते हैं, उनका एक सिख सिंहा उपल, जिसका इतिहास में नाम आया, वो कई बकरे लेकर जा रहा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज घोड़े पर सवार है, पूछने लगे सिंहा उपल ये बकरे कहां लेकर जा रहा है। सिंहा उपल ने हाथ जोड़कर बेनती की, पाचा मेरे घर में पुत्र हुआ है, उसकी रस्म है, सैकड़ों रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, उनके खाने के लिए बकरे लेकर जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना साथ संगी, जो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सिंह उपल से कही, ये हमारे लिए बहुत कीमती बात है। कई लोग खुद नहीं खाते पर अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शादी ब्याह में तो सब भूल जाते हैं, सब। मैंने अच्छे अच्छे सत्संगियों को देखा है, अच्छे अच्छे नाम जपने वाले, जब शादी ब्याह का समय आता है तब हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जरूर मांस और शराब का सेवन कराते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने क्या समझाया, श्रवण कीजिए। सुनकर बिकसे गुरु कृपा, पले करत हृदय तिसका, इतने जीवत हिंसा करे, पाप विशाला पन सिर तरे, अब तो सुगम जाने नह कहबो, अंत महा दुख नरक न पर, देशा न जमके दूत, कहां न पहुंचे बंद प्रभूत, हो जिनहित आप कर्म कमाए, नरंचक होत सहा, सुख
भोगेंगे सगरे लोग अपना पड़े तो हे बड़ सो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिंहा उपल को समझाया कि जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तू इन बकरों की हत्या करेगा इसका लेखा तुझे अकेले देना पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने छुरियां इनके ऊपर चलेंगी उतनी छुरियां तुझ पर धर्मराज चलाएगा, जमदूत चलाएंगे। और जिन रिश्तेदारों को, बच्चों को, घर वालों को खुश करने के लिए तू ये पाप करने जा रहा है वहां पर एक भी तुझे दिखाई नहीं देगा जो तेरी सहायता करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख ये लोग भोगेंगे खाकर, दुख तुझे भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख भोगेंगे सगरे लोग अपदा पड़े तो है बड़ शोक। हैरानी की बात है साध संगत जी, हमारे घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ खाते हैं। एक तरफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पड़ी जा रही होती है और दूसरी तरफ बाहर सैकड़ों मुर्गियां कट रही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। और हम सारे लोगों से कहते हैं आओ जोड़े को आशीष दो जिनकी शादी हो रही है। पांच छह कहते हैं कैसी मूर्खता जैसी बातें करते हैं। भगवान जो चींटी तक की फरियाद सुनता है उसे अंदर गुरबाणी सुनाई दे रही होगी या बाहर मुर्गियों की छड़फड़ाहट, उनके चीखने पुकारने की आवाज सुनाई दे रही होगी। अगर लोगों की आशीष लगती है तो क्या जानवरों की बसीस नहीं लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीन चार दिन पहले ये कथा आई थी, मोहम्मद तुगलक बादशाह, बादशाह कैसे बना? एक हिरनी ने अरदास की निरंकार से, किसी ने मेरे बच्चे पर दया की है, एक आम इंसान को निरंकार ने बादशाह बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रायबा कुएं के बच्चों को पानी पिलाने के लिए अपने सारे कपड़े निकाल कर कुएं में डुबो कर कुत्ते के पिल्लों को पानी पिलाया था। रायबा ने मक्के शरीफ जा रही थी, मक्के मदीना दर्शन करने के लिए। जब सारे लोग उसके साथ वाले आगे पहुंचे, काबा नहीं था वहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काबा कई किलोमीटर दूर रायबा को दर्शन देने पहुंच गया कि तूने दया की है जानवर के ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस हृदय में दया नहीं वो कभी प्राप्ति नहीं कर सकता साथी, कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। ये गलत फहमी में मत रहना कि हम जानवरों को मारकर खाते जाएं, चाहे कितना मर्जी नाम जप लो, चाहे कितना मर्जी दान पुण्य कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो सब में खुदा कहते हो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ हुए हैं, अमेरिका में या बाहर के देशों में जितने भी लोग शाकाहारी हैं उसकी वजह ये शख्स है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने मांसाहार का सख्त विरोध किया था और खोज कर बताया था कि बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मांस खाना जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बड़ी प्यार भरी एक कविता लिखते हैं, दो पंक्तियां श्रवण कीजिए। कहते हैं वी आर द लिविंग ग्रेव्स ऑफ मर्डर्ड बीस्ट्स, ध्यान देना, वी आर द लिविंग ग्रेव्स ऑफ मर्डर्ड बीस्ट्स स्लॉटर्ड टू सेटिस्फाई आवर एपेटाइट्स लाइक कैरियन क्रोस वुड लिव एंड फीड ऑन मीट रिगार्डलेस ऑफ द सफरिंग एंड द पेन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि हम चलती फिरती वो कब्रें हैं जिनके अंदर मुर्दा जानवरों के शरीर दफनाए जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चलती फिरती कब्रें जिनके अंदर हम मुर्दा जानवरों का शरीर दफना रहे हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कब्रिस्तान होके हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं और अपने शरीर को ही कब्रिस्तान बनाकर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाइक कैरियन क्रोस वी लिव एंड फीड ऑन मीट, गिद्धों की तरह हम मांस नोच नोच कर खाते हैं।
पर हमें इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं कि उस जानवर को कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है हमारी प्लेट में आने तक। घर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सीन चल रहे होंगे पीछे, जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो लोग खाते हैं जरूर देखें, आंखें बंद ना करें ताकि पता चले जानवर को तकलीफ कितनी होती है। ये लॉर्ड बर्नार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कॉलेज के 250 बच्चे जो मांस खाते हैं उन्हें स्लॉटर हाउस में ले गया था बुच्चड़ खाने पे। जब वो लोग बाहर आए जानवरों को कटने देखने के बाद 240 बच्चों ने मांस खाना उसी दिन छोड़ दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये गवर्नमेंट कानून पास कर दे अपने हाथ से काटना अपने हाथ से खाना पड़ेगा, 90% लोग उसी दिन शाकाहारी हो जाएंगे, क्योंकि जिस हृदय में थोड़ी भी दया है ना वो जानवर को इस प्रकार तड़पते हुए नहीं देख सकता। हाँ, पत्थर के हृदय हो जिनके, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप के अंदर झांको, ये गुरु की संगत बैठी है यहाँ पर, गुरु नानक पाशा प्रतख विराजमान है, संगत जुड़ी हुई है, गुरबाणी चल रही है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, इसमें भी कतई भी शंका नहीं करना कि गुरु नानक नहीं बैठा है। ये कोई पखंड नहीं रचा है कि यहाँ पर स्टेज सजाया है, रुमाले चढ़ाए हैं, गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। हृदय से अरदास करो, पाछा मुझसे मांस नहीं छूट रहा, मुझे इसमें स्वाद आता है, तू कृपा कर, तू तरस कर। उसने एक बार तरस से देख लिया, अंदर से पुकार तो करो, एक बार अंदर से पुकार के देखो, गुरु नानक ने सुन लिया, आज से ही छूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम वाहिगुरु। इंसानी फितरत, जब भी कोई अच्छा काम हो हर आदमी उसकी क्रेडिबिलिटी लेने की कोशिश करता है कि ये मैंने किया है, पर जब कोई गलत काम हो हर आदमी दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। यहां से बात समझ में आ जाती है कि सबको पता है मांस खाना गलत है। कैसे? खाने वाले को कहो मत खाओ तो कहते हैं हम तो खा रहे हैं ना, काटते थोड़ा है, मारते थोड़ा है, मारते तो दूसरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मारने वाले को पूछो तो वो क्या कहता है कि मैं तो इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि खाने वाले खाते हैं, वो नहीं खाएंगे तो मैं क्यों मारूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बनाने वाले कहते हैं मेरी तो मजबूरी है बनाना पड़ेगा, ये तो घर वाला नाराज हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहाने से तीनों ही खा रहे हैं। मनु ऋषि एक बात कहते हैं वेद शास्त्रों में कि मांस काटने वाला, जानवर को काटने वाला, मांस बनाने वाला और खाने वाला तीनों समान रूप से दोषी है, कोई भी नहीं बचेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये साइकिल है, अगर इनमें से एक साइकिल भी टूट जाए तो कोई जानवर नहीं कटेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और काटने वाला काटेगा नहीं, बनाने वाला बना नहीं सकता, खाने वाला खाएगा कैसे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और खाने वालों के दिमाग इतने तेज होते हैं, तर्क देते हैं। एक आदमी ने सवाल किया कि शराब पीने से क्यों मना करते हैं? जब दैत्यों और देवताओं ने समुद्र में रिड़का था, मंथन किया था समुद्र मंथन, तो 14 रत्नों में से एक शराब भी निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 14 रत्नों में से एक रत्न शराब था, शराब तो रत्न है, उसको पीने से क्यों मना करते हो? जवाब दिया कि इसकी आगे की कहानी भी तो बता। जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले थे, उनमें से अमृत भी निकला था और शराब भी निकली थी। अमृत किसके हिस्से में आया था और शराब किसके हिस्से में आई थी? घर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत देवताओं के हिस्से में आया था, शराब दैत्यों के हिस्से में आई थी, राक्षसों के हिस्से में। अपने मतलब की बात पकड़ लेते हैं हम, कई तर्क देते हैं, अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो सारी दुनिया में मुर्गियां ही हो जाएंगी, बकरे बकरे हो जाएंगे, हमारे चलने की जगह नहीं बचेगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अरे आप चिड़िया नहीं खाते हो, कौवे नहीं खाते हो, तो क्या कौवे चिड़िया हो गई? कुदरत का तो ये नियम है, उसने अपना बैलेंस अपने आप बना लेना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल अपनी चिंता करो, जब लेखा देना पड़ेगा वहां पर तुमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, तुमने ये किया था या नहीं किया था, तुम्हें दिखाया जाएगा तुमने ये किया था और बस बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा धर्म राज ने मंगना पाप ना कर बंधिया, उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जज मालिया। वहां पर सच की परख होती है, सच है ये झूठ है, ये सही है ये गलत है, एक तरफ कर दिया जाता है, बात खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी गुरदास जी बड़े कमाल के ढंग से समझाते हैं, बकरे के मुंह से समझाते हैं। श्रवण कीजिए। को है कसाई बकरी लाए लूण मांस परो, हस हस बोले कुहनी खा खाए अकहन ए होआ, मांस खान गल छुरी दे हालत नाड़ा कौन अलोवा। भाई गुरदास जी बकरी के मुंह से समझाते हैं, कसाई बकरी को काट रहा, बकरी हंस पड़ी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कसाई हैरानी से पूछता है, बकरी तो क्यों हंस रही है? बकरी जवाब देती है, मैंने सारी जिंदगी घास खाई, कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी कोई जीव हत्या नहीं की मैंने, तो मेरा हाल यह है कि मुझे काटा जा रहा है, भुना जा रहा है, तला जा रहा है, तो मुझे काट रहा है, खा रहा है, मैं ये सोच के हंस पड़ी, तेरा क्या हाल होगा? घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बकरी समझा रही है, भाई गुरदास जी के समझाने का तरीका है कि मैंने घास खाई और मुझे इतनी सजाएं भुगतनी पड़ रही हैं, जो मांस खा रहे हैं उन्हें कितनी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संभालिए अपने आप को, ये जबान के सवाद के पीछे फंसकर जन्म व्यर्थ मत गवाइए। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, जितने भी वेद शास्त्र हैं बार बार एक बात कहते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली हो चुके, हृदय में नाम को बसाओ। जिस हृदय में दया नहीं होगी वहां पर नाम नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। बाबा मार नाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के गुरु, उनके पास एक मुस्लिम पीर आ गया, कहने लगा 40 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए इबादत करते हुए, मेरा दसम द्वार नहीं खुला अब तक, कृपा करो। महापुरुष कहने लगे ठीक है, जो तेरी आयत है वो तू पढ़ता रहे यहां बैठकर 40 दिन, पर 40 दिनों में तूने मांस नहीं खाना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पीर कहने लगा हमारे धर्म में तो मना ही नहीं है मांस खाने की। बाबा महा नाम सिंह जी ने समझाया, जहां तूने 40 साल बिताए हैं 40 दिन भी बिता ले, वही सब कुछ कर जो तू करता है रात को जाकर, जो तू अपना पढ़ता है आयत उसी का नाम जप, पर 40 दिन मांस नहीं खाना केवल इतना बंधन रख। सात संगत जी सच्ची घटना है, 10 दिनों में उसका दसम द्वार खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 10 दिन में, और बाबा जी के चरणों में आकर गिरा और पूछा कि हमारे धर्म में तो मना ही नहीं है, केवल मांस छोड़ने से मेरा दसम द्वार खुल गया। कहने लगे मनाही है, सख्त मनाही है। हजरत मोहम्मद साहब लंबा चोला पहनते थे, लंबा चोला सात संगत जी, बहुत लंबा, पैरों से भी लंबा होता था,
बैठे हैं रेगिस्तान के इलाके में, एक बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा आकर उस पर सो गया कपड़े के ऊपर, वो इबादत में बैठे, इबादत से हटे, देखा बकरी का बच्चा सो रहा है। अब सोचा अगर मैं उठा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब सोच रहे हैं अगर मैं उठा बकरी के बच्चे की नींद खराब हो जाएगी, उठे नहीं, सुबह से शाम हो गए नहीं उठे। आखिर में अपने सेवादार को भेजकर कैंची मंगाई, अपना पूरा वस्त्र काट दिया, पर उस बकरे के बच्चे की नींद नहीं खराब होने दी। जो हजरत मोहम्मद साहब के हृदय में इतनी दया है कि एक बकरे के बच्चे की नींद नहीं खराब होने दी, अपने वस्त्र काट दिया, पूरा दिन बैठे रहे, वो कह सकते हैं कि बकरे को मारकर खा लो? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खाने वालों ने अपने खाने का बहाना बनाने के लिए उनका नाम का इस्तेमाल किया है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो सब में खुदा कहते आज वैसे मुझे बहुत खुशी है एक बात के साथ ही, आपको जानकर भी खुशी होगी, इस शहर के जितने भी माननीय सदस्य हैं, जो नेता हैं, जो शहर को चलाते हैं, गुरु ने जो सेवा लेते हैं, जिनकी सेवा की वजह से ये प्रोग्राम भी चल रहा है, सब आकर आज बैठे हैं सामने। सब ज्योति दीदी भी बैठे हैं यहाँ पर, सब बैठे हैं, कुमार जी भी बैठे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि अगर इनमें परिवर्तन आ गया, अगर इनमें परिवर्तन आ गया तो सारा सारा शहर सुधर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का जब तक राज था ना पंजाब में, साथ सिंह अमृतसर की धरती जहाँ पर गोल्डन टेंपल है, वहां पर एक कानून था कि ना वहां पर कोई मांस की दुकान होगी, ना वहां पर कोई शराब बिकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कानून था वहां पर। गुरु साहब जी चाहे जिससे भी सेवा ले लिया हाथ पे रख के, एक बड़ा प्यारा घटना सामने आई। बाबा लक्ष्मीदास जी गुरु नानक पातशाह के सुपुत्र खरगोश का शिकार करके ले आए। ध्यान देना, बाबा लक्ष्मीदास जी गुरु नानक पातशाह के दो पुत्र हुए, बाबा लक्ष्मीदास जी, बाबा श्री चंद जी। बाबा लक्ष्मीदास जी खरगोश का शिकार करके आ रहे हैं, बाबा श्री चंद जी देखकर हैरान हो गए, कहने लगे खरगोश का शिकार किया है तुमने, तुम्हें इसका लेखा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना छोटी नहीं है, गुरु नानक पातशाह के सुपुत्र हैं। अगर गुरु नानक पातशाह के घर में जन्म लेने के बाद किसी जीव हत्या का लेखा देना पड़ सकता है, हम कैसे बच जाएंगे? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कैसे बच जाएंगे? खाने वाले ना पता एग्जांपल देते हैं, बहुत प्यारी एक एग्जांपल देते हैं, वो सही भी है अपनी जगह पे, कि हर अन्न के दाने में भी जान है। गुरबाणी कहती है पानी में भी जान है, हर अन्न के दाने में भी जान है, तो वो भी तो जीव हत्या है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई, जेते आने जेते दाने अन के, जिया बाजना कोई, जितने अन के दाने हैं उसमें भी जान है। पर गुरबानी समझाती है इसे विस्तार से, श्रवण कीजिए। एक मांस हारे एक तृण खाए, एक ना छत्री अमृत पाए, एक पौन आहारी पौन सुमा, के नाम आधारे नाम आधार, जीवे दाता मरे न कोई, नानक मुठे जाए चले जन सो। बहुत ध्यान से इसको सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, एकाग्र चित बख्शो। यहां पर गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, एक मांसाहारी, भगवान ने कई श्रेणियां बनाई हैं, एक मांसाहारी, एक तृण खाए, एक वो बनाए हैं जानवर, शेर चीते बघियार जो मांस पे जीते हैं, एक बनाए हैं बकरी गाय बैल जो घास खाते हैं, एक मांसाहारी, एक तृण खाए, एक ना छत्ती अमृत पाए,
इंसान 36 प्रकार के भोजन केवल इंसान कर सकता है, कोई जानवर नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इकना छत्ती अमृत पाए, एक मिट्टिया में मिट्टिया खाए। ऐसे जानवर ऐसे जीव जंतु भी है जो मिट्टी खाकर जिंदा रहते हैं, बिच्छू मिट्टी खाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पौन आरी पौन समार, ऐसे जानवर है जो पवन में से अपनी रोजी ले लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई पौधे हैं केवल हवा के ऊपर जीवित रहते हैं। एक पौन आरी पौन समार, एक नाम आधारी नाम आधार। ऐसे ऐसे महापुरुष साध संग जी गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहे हैं। पर्सनली ऐसे महापुरुषों को दास जानता है जो कई कई महीने कुछ नहीं खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका आधार है नाम, नाम का भोजन खाते हैं। बाबा नंद सिंह जी महाराज केवल पुराना 1 रुपए का क्वाइन होता था ना, जो उसका वजन 1 तोला होता था, केवल उतना अन्न हर रोज खाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि गुरबाणी में भूखा रहने का खंडन किया गया है, इसलिए हम इतना अन्न खाते हैं। एक पौन आरी पौन समार, एक नाम आधारी नाम आधार। जीव दाता मरे न कोई, भगवान ने जिसको जिस श्रेणी में रखा है वो खा रहा है, कोई मर ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीव दाता है मरे न कोई, नानक मुठ्ठे जाए चले जन सोए। ध्यान देना, शेर को कैद कर लो, उसके सामने घास डाल दो, कुछ खाने को मत दो, भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाय को बांध दो, उसके आगे मांस रख दो, भूखी मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। एक हम हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, चाहे मांस दो चाहे घास दो सब खा जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानवरों को समझ है क्या खाना है क्या नहीं, हमें नहीं समझ। साइंस ये प्रूव कर चुकी है, साइंस के कार्निवोरस और हर्बीवोरस दो टाइप के जानवर हैं। जानवर शेर चीता बघियार जितने भी मांसाहारी जीव है, ध्यान देना वो पानी कैसे पीते हैं, वो जबान से पानी पीते हैं। जितने भी मांसाहारी जीव हैं जबान से पानी पीते हैं, चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, ये सब जबान से पानी पीते हैं। आप देख लीजिए जितने भी सात्विक भोजन करने वाले हैं वो कैसे पीते हैं, सांस से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बकरी सांस से पानी पीती है, गाय सांस से पानी पीती है, हम सांस से पानी पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने हमें किस श्रेणी में रखा है। शाकाहारी भोजन करने वाले सांस से पानी पीते हैं, जबान से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारी एग्जांपल्स क्यों देने पड़ते हैं, क्यों? असल में तो इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या जरूरत है इतने एग्जांपल सुनने की? इतनी सी बात काफी नहीं कि एक जानवर को तड़प तड़पा कर अपनी भूख मिटाना, ये कहां की इंसानियत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहां की इंसानियत है? अगर इतनी सी भी दया नहीं, हमारे बच्चे के हाथ में चाकू लग जाए हमें चैन नहीं आता, हम जानवरों को काट काट के नोच नोच के खाते हैं, कैसे चैन आ जाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे एक मित्र ने मांस खाना छोड़ा, मैंने पूछा क्यों छोड़ा, कहने लगा एक पार्टी में गया, पीछे मुर्गे के छोटे छोटे बच्चों को मारकर बनाया जा रहा था। एक बच्चे की गर्दन थोड़ी सी कटी, वो छूट कर भागा, जहां पे हम खाना खा रहे थे उस टेबल पर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा अपनी आंखों से जब उसे तड़पते हुए देखा, उस दिन से आज तक मैं मांस को हाथ नहीं लगा सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना ही काफी नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमारे दिल थोड़े थोड़े पत्थर के हो चुके हैं, इसलिए इतना कुछ समझाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों मुर्गी मार, क्यों मुर्गी मार, क्यों मुर्गी मार, क्यों मुर्गी मार, ओ जो सब धन गुरु नानक। धन
गुरु। केवल 15 मिनट और साथ संगत की, फिर समाप्ति है। ध्यान से सुनो, बाइबल में दो टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदियों के बारे में जानकारी देती है, न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस क्राइस्ट ने जो कुछ कहा है सेंट ल्यूक ने लिख कर गए हैं। सेंट ल्यूक वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट बाइबल में लिख कर गए हैं एक पंक्ति जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि मांस नहीं खाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि दो शल नॉट किल, हम किसी को नहीं मारेंगे। अभी किसी में सब आ जाते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दास इसलिए बता रहा है कि बहुत लोग दूसरे धर्मों का उदाहरण देकर खाते हैं कि वो खाते हैं। भाई दूसरों के पाप गिराने से तेरे कम नहीं हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बनी बनाई बातों में मत आओ, उससे कहो कोई कमेंडमेंट निकाल के बताए जिसमें जीसस क्राइस्ट ने कहा हो कि खा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और सबसे बड़ी जो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मांस खाने से ताकत आती है, घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। इसलिए खाते हैं, जिम जाते हैं लोग, वहां पर कहते हैं ट्रेनर्स के मांस खाओ ताकत आएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। शरीर को प्रोटीन चाहिए, साइंस प्रूव कर चुकी है जितना प्रोटीन सोयाबीन में है मांस में भी नहीं है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तो आने वाले बैठे हैं, बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए साथ से। चार फौजी उनके पास आ गए, जब उस समय की बात है जब पाकिस्तान से जंग शुरू होने वाली थी। कहने लगे जंग के आसार हैं, हमें आशीर्वाद दो कि जंग से लड़कर भी जीत कर भी आए और बच कर भी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने हुक्म दिया दो बातों का ख्याल रखना, एक तो अमृत वेला मत छोड़ना चाहे जंग का मैदान हो, जैसे ही अमृत वेला हो जाए नाम जपना शुरू कर देना, और दूसरा मांस और शराब नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो चारों फौजी एक दूसरे को देखने लगे, भाई ये क्या कह दिया, मिलिट्री में तो मांस खाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ताकत कहां से आएगी। महापुरुषों ने बहुत समझाया कि नहीं खाना चाहिए, पर वो ना माने कि ताकत कैसे आएगी। तो महापुरुष सच्ची घटना है साथ संग जी, उनके पास में उनका एक सेवादार खड़ा था एकदम पतला दुबला, कहने लगे आप कहते हो मांस खाने से ताकत आती है, ये जो हमारा सेवादार है दिन में एक टाइम भोजन भी ढंग से नहीं करता, तुम चारों हाथ में तलवारें पकड़ लो, यानी हत्था तुम सबसे तलवारें छीन लेगा तब तो मान लोगे कि मांस में ताकत नहीं होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, बचित्तर सिंह जी मस्त हाथी को अकेले खत्म कर दिया, मस्त हाथी को आगे ढाल लगाकर भेजा था मुगलों ने किला तोड़ने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचित्तर सिंह जी को भेजा पीठ पे हाथ रख के जा, उसने इस प्रकार भाला मारा कि वो ढाल को तोड़कर अंदर चला गया, हाथी पागल हो गया और अपने ही फौज को रौंद दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इतना पतला दुबला आदमी। सिखों ने शिकायत की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कि आपने इसके ऊपर विशेष कृपा की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नहीं, मैंने इस पर कोई विशेष कृपा नहीं की, बचित्तर सिंह का नेम है अमृत वेले उठ के 21 बार श्री जपजी साहब जी का करता है, ये बल गुरबाणी का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम सोचते हैं मांस खाने से ताकत आती है, गुरबाणी से पूछो गुरु साहब जी क्या कहते हैं, ताकतवर कौन है। जाओ हर रंग लाओ इस युग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के, जागा सतगुर पूरा। इस कल युग में इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग के अंदर आज के जमाने में जहां दुनिया जल रही है, जहां पर आग लगी हुई है, उस कलयुग के अंदर जिसने अपना ध्यान गुरु नानक के चरणों से जोड़ लिया वो है सबसे बड़ा सूरमा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सूरमा वो नहीं जो चार लोगों को जाके पीट आए, सूरमा वो
जो काम करो दो ओंकार से जीत कर नाम में मन लगा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोजा तरे मनावे अल्लाह, स्वागत जी संभारे आपा दे घबरा नहीं देखे, काहे को झक मारे। गुरबानी की पंक्तियां साथ संगत जी टाउंट किया है, टाउंट रोजा रखता है तो अल्लाह को मनाने के लिए। रोजा धरे मनावे अल्लाह, स्वागत जी संघारे। एक तरफ तू रोजा रखता है, जैसे ही रोजा छोड़ता है जानवर को कत्ल करके खाता है अपने स्वाद के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने स्वाद को देख रहा है, जानवर की तकलीफ को नहीं देख रहा, आपा देख अवरा नहीं देखे, काहे को झक मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे क्यों झक मार रहे पूरा दिन रोजा रख के, ये टाउंट किया है गुरबाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये केवल ये शरम सांझी गुरबाणी है साध संगत जी, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सर्व सांझा उपदेश है। इसमें हम सिख भी आ गए, हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सब आ गए। पूरा दिन नाम जपे भले के काम करें, शाम को मांस खाएं, नोच नोच कर जानवरों को क्यों झक मारे पूरा दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द की पंक्तियां कह रहे हैं कि तेरे हाथ मुंह धोने का स्नान करने का क्या फायदा, कि आखिर में तूने जानवरों को नोच नोच के खाना ही है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे, इससे स्पष्ट रूप से और क्या समझा सकते हैं गुरु पातशाह, और कैसे समझाएं। अरदास करो गुरु नानक के चरणों में, ये बहुत बड़ी कृपा होती है जिसका मन बदल जाए। तो होता है हमारा मन बदलना, एक इतना मन बदल जाए कि अपना धंधा ही बदल लेना। अभी दो दिन पहले जब मैंने अनाउंसमेंट की तो अमर फास्ट फूड वाले मेरे पास आए, नॉनवेज का उनका रेस्टोरेंट है, लोग बहुत पसंद करते हैं, आकर मुझे कहते हैं कि भाई साहब एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपना रेस्टोरेंट प्योर वेज कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि हजारों लोग वहां खाने जाते हैं। अगर ऐसे लोग बदल जाएं, बदलाव आ जाए, ये बदलाव आना बहुत मुश्किल होता है। अपना धंधा ही बदल लेना, पैसों को पीछे रख देना और गुरु को आगे कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हम सबको, सुमत बख्शे सबको। सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। एक आखिरी बात और मॉरल ऑफ द स्टोरी, तत् ये कुदरत का सिद्धांत है, जो चाहिए वो बांटो, जो चाहिए वो बांटो, वो मिल जाएगा बढ़कर। बीज बोएंगे बीज नहीं मिलता, पेड़ मिलता है। गुरबाणी कहती है जो चाहिए बांटो, गाली दोगे 10 गालियां मिलेंगी, प्यार दोगे आगे से बहुत प्यार मिलेगा। अगर चाहते हो गुरु तुम्हारे गुनाह बख्श दे, तुम पर दया करे, तुम्हें जानवरों पर दया करनी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम चाहते हैं गुरु हमारे गुनाह बख्शे, हमें दूसरों को भी बख्शना होगा। अगर हमें उन पर दया नहीं आई, गुरु को हम पर दया नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो सारी संगत के चरणों में बेनती है, सारी संगत के चरणों में कि गुरु को अरदास करें, हे पातशाह हम पे तरस कर, हमारे ये गुनाह हमसे छुड़ा। और छोड़ने का सबसे आसान तरीका है साथ संगत जी, सबसे आसान
बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, कमरे में अंधेरा हो लाख जतन करो खत्म नहीं होगा, एक दीपक जला लो अंधेरा भाग जाएगा। अमृत वेले उठ के नाम का दीपक जला लो, ये मांस खाने की आदत शराब की आदत अपने आप छूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहां पर अमृत आ गया जहर की जगह नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। अमृत वेला संभाल लो, नाम को अपने अंदर नाम की जोत जगा लो, अपने आप ये बुराइयां छोड़कर चली जाएंगी, निकालना नहीं पड़ेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। जो सब में काय कहत हो, धन गुरु नानक देव जी, 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 धन गुरु नानक
नानक देव जी धन गुरु 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 नानक धन गुरु नानक। संगत को बेनती है कि 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, कुछ जरूरी बेनती है। धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पर उसी बकरे को मारकर उसकी जबान तक खा लेते हैं पर अपने आप को पवित्र कहते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तब ध्यान नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। बकरे का झूठा खाने को तैयार नहीं पर उसी बकरे को अपने मुंह में डाल रहे हैं और स्वाद लेते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मांस खाने से इंसान की मति मारी जाती है, ये मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है। तिन क्यों निर्मल चित, उनका चित निर्मल रह ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो टाउंट करते हैं, टाउंट जैसे हमारे जैसे कीर्तनी है, कोई नाम जपाने वाले, कोई संत महापुरुष, अगर वो मांस खाते हैं तो उनके बारे में क्या कहा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। श्रवण कीजिए। जिया हत ना संगे प्राणी, जिया हत ना संगे प्राणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी। मुख से तू बाणी पढ़ता है, जिस मुख से तू नाम जपता है, जपाता है, उस मुख से जब तू जानवरों को नोच नोच के खाता है तुझे शर्म नहीं आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। आपने कभी ध्यान दिया है साथ संगत जी, इतने सारे लोग प्रवचन करते हैं, हजारों हैं, पर बातों का असर नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है? बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, बात जितनी गहराई से निकलेगी उतनी गहराई पे जाकर चोट करेगी, असर करेगी। जब इंसान का अपना जीवन ही ना हो, वो उपदेश करे स्टेज पर बैठकर, तो क्या असर करेगी बाणी? घर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मानो गुरबाणी एक पवित्र पानी है, एक टैंकी है, पर जो नल है वही इतना गंदा है, अगर पानी उसमें से आएगा पीने का दिल कैसे करेगा? घर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जिन्होंने जीवन संभाला है उन्होंने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। आज का जो प्रकरण है बहुत ध्यान से सुनेगा साथ संगत जी, क्योंकि इससे केवल आपकी बात नहीं है, अगर आपके घर से ये मांस खत्म हो गया, ये गुरु नानक की वाणी है, जरूर असर करती है, मुझे गुरबाणी पे ताकत पे भरोसा है। अगर आपके घर में से ये मांस खत्म हो गया, आने वाली कुलें सुधर जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। कछ हो नहीं कछ आहे न मोरा, और स्वर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो पंक्तियां दास ने अभी पढ़ी ये भगत सदने की पंक्तियां हैं जो गुरबाणी में दर्ज है। मैं नहीं कछ हो नहीं कछ आहे न मोरा, जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं तो सदना को भी माथा टेकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पर ये सदना भगत बना कैसे, ये पहले कसाई था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। सदना कसाई, ध्यान से सुनना, जो लोग मांस खाते हैं बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, छोटी सी है। इसकी कसाई की दुकान है बुच्चड़खाने में, शाम का वक्त है, दुकान बंद कर रहा है, एक ग्राहक आ गया, कहता है मेरे घर में मेहमान आ गए अचानक, मुझे इतना मांस चाहिए।
साधना कहने लगा अब तो मास खत्म हो गया, दुकान बंद कर रहा हूँ, कल सुबह आकर ले लेना। ग्राहक कहते हैं नहीं मुझे अभी चाहिए, घर में मेहमान आए हैं, मुझे मास बनाना है। साधना समझाता है कि इस वक्त मैं तुझे मांस नहीं दे सकता, अगर इस वक्त मैंने जानवर को काटा, बकरे को काटा, तो तुझे जितना मांस चाहिए तू ले जाएगा, बाकी सुबह तक मेरा मांस सारा खराब हो जाएगा, बिकेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ग्राहक मती मारी जाती है खाने वालों की, ग्राहक क्या समझाता है उसे, काम कर साधना, उसकी एक लात काट दे, उसकी एक टांग काट दे, पूरी रात बकरा तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं, मांस बासी नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरी रात तड़पता रहेगा जानवर, उसका ख्याल नहीं, पूरी रात एक टांग काट दे, सुबह तक तड़पता रहेगा, सुबह आकर पूरा काट देना और बेच देना। सदने को यह तरकीब भाग गई, छुरी लेकर अंदर चला गया। जैसे ही बकरे को काटने लगा साथ संगत जी, चमत्कार हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस घटना ने सदना कसाई को सदना भगत बना दिया। काटने लगा बकरा, बोल पड़ा, सदना ये कौन सी नई रीत शुरू करने जा रहा है, कई जन्मों से कभी मैं कसाई तू बकरा, कभी तू कसाई मैं बकरा, हम एक दूसरे का लेखा पूरा करते आ रहे हैं, आज तू नई रीत चलाने जा रहा है, मेरी एक टांग काटेगा, पूरी रात मैं तड़पता रहूंगा, याद रख अगले जन्म में मैं कसाई बनूंगा, तेरी टांग काटूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सदने कसाई के हाथ से छुरी गिर गई, सदना भगत बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसी भक्ति की क्यों बख्शे जाते हैं, गुरु नानक के घर में बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन ढहने की देरी है, उसके बख्शने में देरी नहीं। कोई मन करके ये पश्चाताप कर ले कि मुझसे गलती हुई है और अरदास कर दे गुरु नानक के आगे, पाछा आगे से मैं ये नहीं करूंगा, और ये शर्त होती है माफी की कि आगे से वो भूल दोबारा ना हो, गुरु बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना बख्श दिया कि कसाई से भगत बन गया, उसकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो सब में खुदा कहते हो, सब में खुदा कहते हो, जो मुर्गी मां है, पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जुन महाराज अपने निवास स्थान से बाहर निकले, क्या देखते हैं उनका एक सिख सिंहा उपल, जिसका इतिहास में नाम आया, वो कई बकरे लेकर जा रहा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज घोड़े पर सवार है, पूछने लगे सिंहा उपल ये बकरे कहाँ लेकर जा रहा है। सिंहा उपल ने हाथ जोड़कर बेनती की, पाछा मेरे घर में पुत्र हुआ है, उसकी रस्म है, सैकड़ों रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, उनके खाने के लिए बकरे लेकर जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना साथ संगत, जो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सिंहा उपल से कही ये हमारे लिए बहुत कीमती बात है, कई लोग खुद नहीं खाते पर अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शादी ब्याह में तो सब भूल जाते हैं सब, मैंने अच्छे अच्छे सत्संगियों को देखा है, अच्छे अच्छे नाम जपने वाले जब शादी ब्याह का समय आता है तब हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जरूर मांस और शराब का सेवन कराते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने क्या समझाया श्रवण कीजिए। सुनकर बिकसे गुरु कृपा, पले करत हृदय तिसका, इतने जीवत हिंसा करे, पाप विशाला पन सिर तरे, अब तो सुगम जाने कहबो, अंत महा दुख नरक न पर, देशा ना जम के दूत, कहां न पहुंचे बंद पूत,
ओ जनहित आप कर्म कमाए, कहाँ नरंचक होत सहाय, सुख भोगेंगे सगरे लोग, अपदा पड़े तो हे बड़ सो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिंहा उपल को समझाया कि जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तू इन बकरों की हत्या करेगा, इसका लेखा तुझे अकेले देना पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने छुरियां इनके ऊपर चलेंगी उतनी छुरियां तुझ पर धर्मराज चलाएगा, जमदूत चलाएंगे। और जिन रिश्तेदारों को, बच्चों को, घर वालों को खुश करने के लिए तू ये पाप करने जा रहा है, वहां पर एक भी तुझे दिखाई नहीं देगा जो तेरी सहायता करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख ये लोग भोगेंगे खाकर, दुख तुझे भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख भोगेंगे सगरे लोग, आपदा पड़े तो है बड़े शोक। हैरानी की बात है साध संगत जी, हमारे घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ खाते हैं। एक तरफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पड़ी जा रही होती है और दूसरी तरफ बाहर सैकड़ों मुर्गियां कट रही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। और हम सारे लोगों से कहते हैं आओ जोड़े को आशीष दो जिनकी शादी हो रही है, पाछा कहते हैं कैसी मूर्खता जैसी बातें करते हैं। भगवान जो चींटी तक की फरियाद सुनता है उसे अंदर गुरबाणी सुनाई दे रही होगी या बाहर मुर्गियों की छड़फड़ाहट, उनके चीखने पुकारने की आवाज सुनाई दे रही होगी। अगर लोगों की आशीष लगती है तो क्या जानवरों की बसीस नहीं लगती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3-4 दिन पहले ये कथा आई थी, मोहम्मद तुगलक बादशाह, बादशाह कैसे बना? एक हिरनी ने अरदास की निरंकार से, किसी ने मेरे बच्चे पर दया की है, एक आम इंसान को निरंकार ने बादशाह बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रायबा के बच्चों को पानी पिलाने के लिए अपने सारे कपड़े निकाल कर कुएं में डुबोकर कुत्ते के पिल्लों को पानी पिलाया था। रायबा ने मक्के शरीफ जा रही थी, मक्के मदीना दर्शन करने के लिए। जब सारे लोग उसके साथ वाले आगे पहुंचे, काबा नहीं था वहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काबा कई किलोमीटर दूर रायबा को दर्शन देने पहुंच गया कि तूने दया की है जानवर के ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस हृदय में दया नहीं वो कभी प्राप्ति नहीं कर सकता साथी, कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। ये गलत फहमी में मत रहना कि हम जानवरों को मारकर खाते जाएं, चाहे कितना मर्जी नाम जप लो, चाहे कितना मर्जी दान पुण्य कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो सब में खुदा कहते हो खुदा कहते हो सब में।
ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸਤਿਆ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮੈਂ ਹੈ ਤੋ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਕਿਸੀ ਮੁਰਗੀ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰ ਖਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਪੁਨ ਵੀ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਬਚ ਜਾਏਗੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੀਰਥੋ ਪੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲੇਂਗੇ ਪਰ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਲੇਂਗੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਨ ਕੀਜੀਏ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜੋ ਤੀਨ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕੀਜੀਏ ਅੰਗ 1377 1377 ਕਬੀ ਪਾਨ ਮਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਹੇ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਹੇ ਤੀਰਥ ਪਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਂਗ ਮਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਈਸਾਈ ਕਾ ਹੈ ਭਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਕੋ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋ ਪੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥੋਂ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਕਿਤਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਨਰਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਦਇਆ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਧਰਮ ਕੈਸਾ ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਕੇ ਔਲਾਦ ਕੈਸੇ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਦਇਆ ਕੇ ਧਰਮ ਕੈਸੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਮੁਝਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਭ ਮੇਕ ਖੁਦਾਇ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਸਭ ਮੇਕ ਖੁਦਾਇ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀਆਂ ਬੱਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੁਨਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ ਕਾ ਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ ਘਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀਵੋ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮੇ ਉਨ੍ਹੇ ਸੰਤ ਔਰ ਮੁਨੀ ਕਹੇਂਗੇ ਤੋ ਕਸਾਈ ਕਿਸੇ ਕਹੇਗਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਧਮਕੀਓ ਕੇ ਫੋਨ ਆਤੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ
बहुत लोग नाराज होते हैं कि आप ये बात स्टेज पर क्यों कहते हैं, पर मैं तो गुरबाणी सुना रहा हूँ, बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, मेरी नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिया बद्दो सुतर्म कर थापो, अधर्म कहो मत भाई, आपस को मन वर कर थापो, आपस को मन वर कर थापो, ताको कहो कसाई। तीन प्रकार के लोग होते हैं संसार में, तीन प्रकार के। एक तो वो जो अनजाने में मांस खा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये गुनाह है। जैसे छोटे बच्चे हो गए, माता पिता खिला रहे हैं, उन्हें नहीं पता। एक वो जो मानते हैं कि गलत है मांस खाना, पर हमें हमसे रहा नहीं जाता इसके स्वाद के बिना। ये दो प्रकार के लोग हैं। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, ये दो प्रकार के लोग बख्शे जा सकते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अपनी गलती मान रहे हैं, जो अपनी गलती मान रहा है वो एक न एक दिन सुधर भी जाएगा। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर तीसरे प्रकार के लोग जो इसे जाय ठहराने के लिए गुरुओं का नाम लेते हैं कि गुरु महाराज ने खाया था। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने खाने को जाय ठहराने के लिए गुरु को कलंक लगा रहे हैं। कई लोग ये बात कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया था। कई लोग ये बात कहते हैं, ध्यान देना कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके बकरा खाया था। बड़ी ध्यान से इस बात को समझना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसी स्थान पर दो मिनट के लिए भी रुके ना, वहां पे गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। गुरु नानक पातशाह एक जगह पर रुके थोड़ी देर के लिए, वहां पे गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। एक जगह दातुन की गुरु गोविंद साहिब जी ने, दातुन वहां पर गुरुद्वारा दातुन साहिब है। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहीं पर भटका बकरा झटकाया होता तो गुरुद्वारा झटका साहब भी तो होता। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहां है? और जो लोग ये कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था, एक बार उनकी बात को मान लो, मान लेते हैं, चलो आप कहते हो तो खाया होगा। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपना सर्वंश वार गए, हम में ताकत है? घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने शहीद करवा गए, अपना सारा सरबंस वार गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हम में वो ताकत है? अगर उनको कॉपी ही करना है, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को वार दो, आपके बच्चों की दो आंखें हैं ना, एक आंख डोनेट कर दो। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंधा भी नहीं होगा, देख भी सकेगा, है हिम्मत। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर उंगली उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान के नाम पर जो खाते हैं, गुरबाणी कहती है, वो नहीं बख्शे जाएंगे, बख्शे वो लोग जाएंगे जो अपनी गलती को मानते हैं। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सब में खुदा कहते हो, सब में खुदा कहते हो, अंग 140 गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। गुरु नानक पातशाह का समझाने का ढंग ही बड़ा निराला है साथ साथ। कितनी कमाल की एग्जाम्पल देके वो समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। जो रत लगे कपड़े जामा पनीत, जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि अगर हमारे कपड़ों को खून लग जाए किसी जानवर का, हम कपड़े को धोने के लिए दे देते हैं कि कपड़ा मैला हो गया, इसे पहनते नहीं। अगर कोई अमीर होगा फेंक ही देगा कपड़े को कि खून लग गया है इस पर। उसी जानवर को मारकर जब तू उसका खून पीता है तो अपने आप को पवित्र कैसे समझता है?
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। उनका ना शरीर निर्मल रहेगा ना चित निर्मल रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है सात संगत जी, एक आदमी खाना खा रहा हो, भोजन खा रहा हो, थाली में भोजन परोसा गया हो, बकरा आकर उसमें मुंह मार जाए, थोड़ा खाना जूठा कर जाए, कोई भी आदमी उस थाली में से खाना नहीं खाएगा। एक लॉर्ड बर्नार्ड शॉ हुए हैं, अमेरिका में या बाहर के देशों में जितने भी लोग शाकाहारी हैं उसकी वजह ये शख्स है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने मांसाहार का सख्त विरोध किया था और खोज कर बताया था कि बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मांस खाना जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बड़ी प्यार भरी एक कविता लिखते हैं, दो पंक्तियां श्रवण कीजिए। कहते हैं, वी आर द लिविंग ग्रेव्स ऑफ मर्डर्ड बीस्ट्स। ध्यान देना, वी आर द लिविंग ग्रेव्स ऑफ मर्डर्ड बीस्ट्स, स्लॉटर्ड टू सेटिस्फाई आवर एपेटाइट्स, लाइक कैरियन क्रोस वी लिव एंड फीड ऑन मीट रिगार्डलेस ऑफ द सफरिंग एंड द पेन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि हम चलती फिरती वो कब्रें हैं जिनके अंदर मुर्दा जानवरों के शरीर दफनाए जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलती फिरती कब्रें जिनके अंदर हम मुर्दा जानवरों का शरीर दफना रहे हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कब्रिस्तान होके हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं और अपने शरीर को ही कब्रिस्तान बनाकर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लाइक कैरियन क्रोस वी लिव एंड फीड ऑन मीट, गिद्धों की तरह हम मांस नोच नोच कर खाते हैं पर हमें इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं कि उस जानवर को कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है हमारी प्लेट में आने तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सीन चल रहे होंगे पीछे, जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो लोग खाते हैं जरूर देखें, आंखें बंद ना करें ताकि पता चले जानवर को तकलीफ कितनी होती है। ये लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कॉलेज के 250 बच्चे जो मांस खाते हैं उन्हें स्लॉटर हाउस में ले गया था बुच्चर खाने पे। जब वो लोग बाहर आए जानवरों को कटने देखने के बाद, 240 बच्चों ने मांस खाना उसी दिन छोड़ दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये गवर्नमेंट कानून पास कर दे अपने हाथ से काटना अपने हाथ से खाना पड़ेगा, 90% लोग उसी दिन शाकाहारी हो जाएंगे, क्योंकि जिस हृदय में थोड़ी भी दया है ना वो जानवर को इस प्रकार तड़पते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हाँ, पत्थर के हृदय हों जिनके, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप के अंदर झांको, ये गुरु की संगत बैठी है यहाँ पर, गुरु नानक पाशा प्रतख विराजमान है, संगत जुड़ी हुई है, गुरबाणी चल रही है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, इसमें भी कतई भी शंका नहीं करना कि गुरु नानक नहीं बैठा है, ये कोई पखंड नहीं रचा है, ये कोई पखंड नहीं रचा है कि यहाँ पर स्टेज सजाया है, रुमाले चढ़ाए हैं, गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हृदय से अरदास करो, पाछा मुझसे मांस नहीं छूट रहा, मुझे इसमें स्वाद आता है, तू कृपा कर, तू तरस कर। उसने एक बार तरस से देख लिया, अंदर से पुकार तो करो, एक बार अंदर से पुकार के देखो, गुरु नानक ने सुन लिया, आज से ही छूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। इंसानी फितरत, जब भी कोई अच्छा काम हो हर आदमी उसकी क्रेडिबिलिटी लेने की कोशिश करता है कि ये मैंने किया है, पर जब कोई गलत काम हो हर आदमी दूसरे पे डालने की कोशिश करता है। यहां से बात समझ में आ जाती है कि सबको पता है मांस खाना गलत है। कैसे? खाने वाले को कहो मत खाओ तो कहते हैं हम तो खा रहे हैं ना, काटते थोड़ा है, मारते थोड़ा है, मारते तो दूसरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मारने वाले को पूछो
तो वो क्या कहता है कि मैं तो इसलिए मार रहा हूं क्योंकि खाने वाले खाते हैं, वो नहीं खाएंगे तो मैं क्यों मारूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बनाने वाले कहते हैं मेरी तो मजबूरी है बनाना पड़ेगा, ये तो घर वाला नाराज हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहाने से तीनों ही खा रहे हैं। मनु ऋषि एक बात कहते हैं वेद शास्त्रों में कि मांस काटने वाला, जानवर को काटने वाला, मांस बनाने वाला और खाने वाला तीनों समान रूप से दोषी है, कोई भी नहीं बचेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये साइकिल है, अगर इनमें से एक साइकिल भी टूट जाए तो कोई जानवर नहीं कटेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और काटने वाला काटेगा नहीं, बनाने वाला बना नहीं सकता, खाने वाला खाएगा कैसे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और खाने वालों के दिमाग इतने तेज होते हैं, तर्क देते हैं। एक आदमी ने सवाल किया कि शराब पीने से क्यों मना करते हैं? जब दैत्यों और देवताओं ने समुद्र में रिड़का था, मंथन किया था समुद्र मंथन, तो 14 रत्नों में से एक शराब भी निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 रत्नों में से एक रत्न शराब था। शराब तो रत्न है, उसको पीने से क्यों मना करते हो? जवाब दिया कि इसकी आगे की कहानी भी तो बता। जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले थे, उनमें से अमृत भी निकला था और शराब भी निकली थी। अमृत किसके हिस्से में आया था और शराब किसके हिस्से में आई थी? घर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत देवताओं के हिस्से में आया था, शराब दैत्यों के हिस्से में आई थी, राक्षसों के हिस्से में। अपने मतलब की बात पकड़ लेते हैं हम, कई तर्क देते हैं। अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो सारी दुनिया में मुर्गियां मुर्गियां हो जाएंगी, बकरे बकरे हो जाएंगे, हमारे चलने की जगह नहीं बचेगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अरे आप चिड़िया नहीं खाते हो, कौवे नहीं खाते हो, तो क्या कौवे कौवे चिड़िया चिड़िया हो गई? कुदरत का तो ये नियम है, उसने अपना बैलेंस अपने आप बना लेना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। केवल अपनी चिंता करो, जब लेखा देना पड़ेगा वहां पर तुमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा तुमने ये किया था या नहीं किया था, तुम्हें दिखाया जाएगा तुमने ये किया था और बस बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिखा धर्म राज ने मंगना पाप ना कर बंधिया, ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कटे जज माल्या। वहां पर सच की परख होती है, सच है ये झूठ है, ये सही है ये गलत है, एक तरफ कर दिया जाता है, बात खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, तो सब में एक खुदा एक एक हो, सब में एक खुदा एक एक हो, गुरदास जी बड़े कमाल के ढंग से समझाते हैं, बकरे के मुंह से समझाते हैं, श्रवण कीजिए। कोहे कसाई बकरी लाए लूण मांस परो, हस हस बोले कुहनी खा खाए अकहान ले हो, मांस खान गल छुरी दे हालत नाड़ा कौन अलोवा। भाई गुरदास जी बकरी के मुंह से समझाते हैं, कसाई बकरी को काट रहा, बकरी हंस पड़ी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कसाई हैरानी से पूछता है बकरी तू क्यों हंस रही है? बकरी जवाब देती है मैंने सारी जिंदगी घास खाई, कभी किसी को दुख नहीं दिया, कसी कोई जीव हत्या नहीं की मैंने, तो मेरा हाल यह है कि मुझे काटा जा रहा है, भुना जा रहा है, तला जा रहा है, तो मुझे खाट रहा है, खा रहा है, मैं ये सोच के हंस पड़ी, तेरा क्या हाल होगा?
घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बकरी समझा रही है, भाई गुरदास जी के समझाने का तरीका है कि मैंने घास खाई और मुझे इतनी सजाएं भुगतनी पड़ रही हैं, जो मांस खा रहे हैं उन्हें कितनी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संभालिए अपने आप को, ये जबान के सवाद के पीछे फंसकर जन्म व्यर्थ मत गवाइए। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, जितने भी वेद शास्त्र हैं बार बार एक बात कहते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां, के हृदय में नाम को बसाओ। जिस हृदय में दया नहीं होगी वहां पर नाम नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। बाबा मार नाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के गुरु, उनके पास एक मुस्लिम पीर आ गया, कहने लगा 40 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए इबादत करते हुए, मेरा दसम द्वार नहीं खुला अब तक, कृपा करो। महापुरुष कहने लगे ठीक है, जो तेरी आयत है वो तू पढ़ता रहे यहां बैठकर 40 दिन, पर 40 दिनों में तूने मांस नहीं खाना। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो पीर कहने लगा हमारे धर्म में तो मनाही नहीं है मांस खाने की। बाबा मार नाम सिंह जी ने समझाया, जहां तूने 40 साल बिताए हैं 40 दिन भी बिता ले, वही सब कुछ कर जो तू करता है रात को जाकर, जो तू अपना पढ़ता है आयत उसी का नाम जप, पर 40 दिन मांस नहीं खाना, केवल इतना बंधन रख। साथ संगत जी सच्ची घटना है, 10 दिनों में उसका दसम द्वार खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 10 दिन में, और बाबा जी के चरणों में आकर गिरा और पूछा कि हमारे धर्म में तो मनाही नहीं है, केवल मांस छोड़ने से मेरा दसम द्वार खुल गया। कहने लगे मनाही है, सख्त मनाही है। हजरत मोहम्मद साहब लंबा चोला पहनते थे, लंबा चोला साथ संगत जी, बहुत लंबा, पैरों से भी लंबा होता था। बैठे हैं रेगिस्तान के इलाके में, एक बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा आकर उस पर सो गया कपड़े के ऊपर, वो इबादत में बैठे, इबादत से हटे, देखा बकरी का बच्चा सो रहा है। अब सोचा अगर मैं उठा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब सोच रहे हैं अगर मैं उठा बकरी के बच्चे की नींद खराब हो जाएगी, उठे नहीं, सुबह से शाम हो गए नहीं उठे। आखिर में अपने सेवादार को भेजकर कैंची मंगाई, अपना पूरा वस्त्र काट दिया, पर उस बकरे के बच्चे की नींद नहीं खराब होने दी। जो हजरत मोहम्मद साहब के हृदय में इतनी दया है कि एक बकरे के बच्चे की नींद नहीं खराब होने दी, अपना वस्त्र काट दिया, पूरा दिन बैठे रहे, वो कह सकते हैं कि बकरे को मारकर खा लो? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खाने वालों ने अपने खाने का बहाना बनाने के लिए उनका नाम का इस्तेमाल किया है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो सब में खुदा कहे वो सब में खुदा कहे हो, आज वैसे मुझे बहुत खुशी है एक बात के साथ ही, आपको जानकर भी खुशी होगी, इस शहर के जितने भी माननीय सदस्य हैं, जो नेता हैं, जो शहर को चलाते हैं, गुरु ने जो सेवा लेते हैं, जिनकी सेवा की वजह से ये प्रोग्राम भी चल रहा है, सब आकर आज बैठे हैं सामने, सब ज्योति दीदी भी बैठे हैं यहाँ पर, सब बैठे हैं, कुमार जी भी बैठे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि अगर इनमें परिवर्तन आ गया, अगर इनमें परिवर्तन आ गया तो सारा सारा शहर सुधर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का जब तक राज था ना पंजाब में, साथ सिंह जी अमृतसर की धरती जहां पर गोल्डन टेंपल है, वहां पर एक कानून था कि ना वहां पर कोई मांस की दुकान होगी, ना वहां पर कोई शराब बिकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कानून था वहां पर। गुरु साहब जी चाहे जिससे भी सेवा ले लिए हाथ पे रख के, एक बड़ा प्यारा घटना सामने आई। बाबा लक्ष्मीदास जी गुरु नानक पातशाह के सुपुत्र, खरगोश का शिकार करके ले आए, ध्यान देना, बाबा लक्ष्मीदास जी गुरु नानक पातशाह के दो पुत्र हुए, बाबा लक्ष्मीदास जी, बाबा श्री चंद जी। बाबा लक्ष्मीदास जी खरगोश का शिकार करके आ रहे हैं, बाबा श्री चंद जी देखकर हैरान हो गए,
कहने लगे खरगोश का शिकार किया है तुमने, तुम्हें इसका लेखा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना छोटी नहीं है, गुरु नानक पातशाह के सुपुत्र हैं। अगर गुरु नानक पातशाह के घर में जन्म लेने के बाद किसी जीव हत्या का लेखा देना पड़ सकता है, हम कैसे बच जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कैसे बच जाएंगे? खाने वाले ना पता एग्जाम्पल देते हैं, बहुत प्यारी एक एग्जाम्पल देते हैं, वो सही भी है अपनी जगह पे, कि हर अन्न के दाने में भी जान है। गुरबाणी कहती है पानी में भी जान है, हर अन्न के दाने में भी जान है, तो वो भी तो जीव हत्या है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई, जेते आने जेते दाने अन्न के, जिया बाज ना कोई, जितने अन्न के दाने है उसमें भी जान है। पर गुरबाणी समझाती है इसे विस्तार से, श्रवण कीजिए। एक मांस हारे एक तृण खाए, एक ना छत्री अमृत पाए, एक पौन आहारे पौन सुमा, एक नाम आधारे नाम आधार, जीवे दाता नानक मुठे जाए चले जन सो। बहुत ध्यान से इसको सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, एकाग्र चित बख्शो। यहां पर गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, एक मांसाहारी, भगवान ने कई श्रेणियां बनाई हैं, एक मांसाहारी, एक तृण खाए, एक वो बनाए हैं जानवर, शेर चीते बघियार जो मांस पे जीते हैं, एक बनाए हैं बकरी गाय बैल जो घास खाते हैं, एक मांसाहारी एक तृण खाए, एक ना छत्ती अमृत पाए। इंसान 36 प्रकार के भोजन केवल इंसान कर सकता है, कोई जानवर नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ना छत्ती अमृत पाए, एक मिट्टिया में मिट्टिया खाए, ऐसे जानवर ऐसे जीव जंतु भी है जो मिट्टी खाकर जिंदा रहते हैं, बिच्छू मिट्टी खाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पौन आहारी पौन समार, ऐसे जानवर है जो पवन में से अपनी रोजी ले लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे कई पौधे हैं केवल हवा के ऊपर जीवित रहते हैं। एक पौन आहारी पौन समार, एक नाम आधारी नाम आधार, ऐसे ऐसे महापुरुष साध संगत जी गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहे हैं। पर्सनली ऐसे महापुरुषों को दास जानता है जो कई कई महीने कुछ नहीं खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उनका आधार है नाम, नाम का भोजन खाते हैं। बाबा नंद सिंह जी महाराज केवल पुराना 1 रुपए का क्वाइन होता था ना, जो उसका वजन 1 तोला होता था, केवल उतना अन्न हर रोज खाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहते थे इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि गुरबाणी में भूखा रहने का खंडन किया गया है, इसलिए हम इतना अन्न खाते हैं। एक पौन आहारी पौन समार, एक नाम आधारी नाम आधार, जीव दाता मरे न कोई, भगवान ने जिसको जिस श्रेणी में रखा है वो खा रहा है, कोई मर ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवे दाता है मरे न कोई, नानक मुठे जाए चले जन सोए। ध्यान देना, शेर को कैद कर लो, उसके सामने घास डाल दो, कुछ खाने को मत दो, भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाय को बांध दो, उसके आगे मांस रख दो, भूखी मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। एक हम है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, चाहे मांस दो चाहे घास दो सब खा जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानवरों को समझ है क्या खाना है क्या नहीं, हमें नहीं समझ है। साइंस ये प्रूव कर चुकी है, साइंस, कि कार्निवोरस और हर्बीवोरस दो टाइप के जानवर हैं। जानवर शेर चीता बघियार जितने भी मांसाहारी जीव है, ध्यान देना, वो पानी कैसे पीते हैं? वो जबान से पानी पीते हैं। जितने भी मांसाहारी जीव हैं जबान से पानी पीते हैं, चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, ये सब जबान से पानी पीते हैं, आप देख लीजिए। जितने भी सात्विक भोजन करने वाले हैं वो कैसे पीते हैं? सांस से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बकरी सांस से पानी पीती है, गाय सांस से पानी पीती है, हम सांस से पानी पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने हमें किस श्रेणी में रखा है। शाकाहारी भोजन करने वाले सांस से पानी पीते हैं, जबान से नहीं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारी एग्जांपल्स क्यों देने पड़ते हैं? क्यों? असल में तो इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या जरूरत है इतने एग्जांपल सुनने की? इतनी सी बात काफी नहीं कि एक जानवर को तड़प तड़पा कर अपनी भूख मिटाना, ये कहां की इंसानियत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कहां की इंसानियत है? अगर इतनी सी भी दया नहीं, हमारे बच्चे के हाथ में चाकू लग जाए हमें चैन नहीं आता, हम जानवर को काट काट के नोच नोच के खाते हैं, कैसे चैन आ जाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे एक मित्र ने मांस खाना छोड़ा, मैंने पूछा क्यों छोड़ा, कहने लगा एक पार्टी में गया, पीछे मुर्गे के छोटे छोटे बच्चों को मारकर बनाया जा रहा था, एक बच्चे की गर्दन थोड़ी सी कटी, वो छूट कर भागा, जहां पे हम खाना खा रहे थे उस टेबल पर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा अपनी आंखों से जब उसे तड़पते हुए देखा, उस दिन से आज तक मैं मांस को हाथ नहीं लगा सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना ही काफी नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमारे दिल थोड़े थोड़े पत्थर के हो चुके हैं, इसलिए इतना कुछ समझाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों मुर्गी मार, क्यों मुर्गी मार, क्यों मुर्गी मार, क्यों मुर्गी मार, ओ जो सब एक खुदा एक हो, सब एक खुदा एक हो, क्यों 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 मुर्गी मार, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। केवल 15 मिनट और साथ संगत फिर समाप्ति है, ध्यान से सुनो। बाइबल में दो टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदियों के बारे में जानकारी देती है, न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस क्राइस्ट ने जो कुछ कहा है सेंट ल्यूक ने लिख कर गए हैं। सेंट ल्यूक वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट बाइबल में लिख कर गए हैं एक पंक्ति जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि मांस नहीं खाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि दो शल नॉट किल, हम किसी को नहीं मारेंगे। अभी किसी में सब आ जाते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दास इसलिए बता रहा है कि बहुत लोग दूसरे धर्मों का उदाहरण देकर खाते हैं कि वो खाते हैं। भाई दूसरों के पाप गिराने से तेरे कम नहीं हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बनी बनाई बातों में मत आओ, उससे कहो कोई कमेंटमेंट निकाल के बताए जिसमें जीसस क्राइस्ट ने कहा हो कि खा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और सबसे बड़ी जो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मांस खाने से ताकत आती है, घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। इसलिए खाते हैं, जिम जाते हैं लोग, वहां पर कहते हैं ट्रेनर्स के मांस खाओ ताकत आएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। शरीर को प्रोटीन चाहिए, साइंस प्रूव कर चुकी है जितना प्रोटीन सोयाबीन में है मांस में भी नहीं है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तो आने वाले बैठे हैं, बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं। साथ 4 फौजी उनके पास आ गए, उस समय की बात है जब पाकिस्तान से जंग शुरू होने वाली थी। कहने लगे जंग के आसार हैं, हमें आशीर्वाद दो कि जंग से लड़कर भी जीत कर भी आए और बच कर भी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने हुक्म दिया दो बातों का ख्याल रखना, एक तो अमृत वेला मत छोड़ना चाहे जंग का मैदान हो, जैसे ही अमृत वेला हो जाए नाम जपना शुरू कर देना, और दूसरा मांस और शराब नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चारों फौजी एक दूसरे को देखने लगे, भाई ये क्या कह दिया, मिलिट्री में तो मांस खाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ताकत कहां से आएगी। महापुरुषों ने बहुत समझाया कि नहीं खाना चाहिए, पर वो ना माने कि ताकत कैसे आएगी। तो महापुरुष, सच्ची घटना है सत्संग जी, उनके पास में उनका एक सेवादार खड़ा था, एकदम पतला दुबला,
कहने लगे, आप कहते हो मांस खाने से ताकत आती है, ये जो हमारा सेवादार है दिन में एक टाइम भोजन भी ढंग से नहीं करता, तुम चारों हाथ में तलवारें पकड़ लो, ये निहत्था तुम सबसे तलवारें छीन लेगा, तब तो मान लोगे कि मांस में ताकत नहीं होती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, बचित्तर सिंह जी मस्त हाथी को अकेले खत्म कर दिया, मस्त हाथी को आगे ढाल लगाकर भेजा था मुगलों ने किला तोड़ने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचित्तर सिंह जी को भेजा पीठ पे हाथ रख के जा, उसने इस प्रकार भाला मारा कि वो ढाल को तोड़कर अंदर चला गया, हाथी पागल हो गया और अपने ही फौज को रौंद दिया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इतना पतला दुबला आदमी, सिखों ने शिकायत की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कि आपने इसके ऊपर विशेष कृपा की है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नहीं मैंने इस पर कोई विशेष कृपा नहीं की, बचित्तर सिंह का नेम है अमृत वेले उठ के 21 बार श्री जपजी साहब जी का करता है, ये बल गुरबाणी का है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम सोचते हैं मांस खाने से ताकत आती है, गुरबाणी से पूछो गुरु साहब जी क्या कहते हैं, ताकतवर कौन है। जानो हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के, जागा सतगुर पूरा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि वेद शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कहीं पर भी मना नहीं किया गया कि मांस खाना नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी वजह यह है कि हमने लाखों रुपए के रुमाले तो चढ़ा दिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर, पर कभी गुरु ग्रंथ साहिब जी को खोल कर पढ़ा नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अनमोल हीरे मोती हैं इसके अंदर, खजाना है ज्ञान का खजाना, कई प्रमाण है, कई प्रमाण साफ साफ गुरु साहिब जी समझा रहे हैं कि मांस नहीं खाना। और दास यहां पर स्टेज पर एक बात कहना चाहता है, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, ना कुरान शरीफ में कहीं लिखा है कि मांस खा सकते हैं, ना बाइबल में कहीं लिखा है कि मांस खा सकते हैं, ना वेद शास्त्रों में लिखा है, ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे बाइबल में से कोई एक कमेंडमेंट पढ़ के बता दे कि इसमें लिखा है कि मांस खा सकते हैं, या हजरत मोहम्मद साहब कुरान में अगर लिख कर गए हैं एक आयत बता दें जिसमें लिखा हो कि मांस खा सकते हैं, जबकि मैं आयतें और कमेंडमेंट्स बता दूंगा कि लिखा हुआ है कि नहीं खाना चाहिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। या कुछ लोगों ने अपने जबान के स्वाद के पीछे लगकर सब लोगों को भटकाया हुआ है, जो खाते हैं अलग प्रकरण है, अलग बात है, पर जो भगवान के नाम पर खाते हैं, भगवान का नाम लेकर भगवान को दोष देकर के, भगवान ने मना नहीं किया, गुरु ने मना नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करें, श्रवण कीजिए अंग 1350 गुरबाणी की पंक्तियां, क्या कह रहे हैं पांच। जो सब में खुदा खुदा
ਖੁਦਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ
क्यों मुर्गी माँ